यारों इस वीडियो में हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी देंगे जिसे सुनने के बाद आप काफी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जब मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की 120 साल की उम्र में वफात हुई तो मिस्र के लोगों में एक भयानक झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि मिस्र के लोगों में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम यह था कि हर कोई चाहता था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे मोहल्ले में दफन किया जाए, मगर यारों ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो एक फैसला हुआ कि हजरत यूसुफ को दरियाए नील में दफन कर दिया जाए। दरियाए नील का पानी जब हजरत यूसुफ की कब्र को छूकर निकलेगा तो इस पानी से पूरे मिस्र के लोग बरकत हासिल करेंगे, जिसके बाद हजरत यूसुफ के जिस्म मुबारक को एक संगमरमर के ताबूत में अच्छी तरह बंद करके दरियाए नील में दफना दिया गया। फिलहाल दोस्तों 400 साल का लंबा वक्त गुजरने के बाद मिस्र में फिरौन के जुल्म और सितम की वजह से बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ से मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया गया, और साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम को ये ऑर्डर भी मिला कि हजरत यूसुफ की बॉडी को भी अपने साथ ले जाएं। हजरत मूसा ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद हजरत यूसुफ के जिस्म मुबारक को ले जाकर फिलिस्तीन में उसी जगह दफन किया गया कि जहां पहले से ही हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद थी।